शिवा, जो कुछ भी हुआ उसे एक सपना समझकर भूल जाओ, ऊपर वाला तुम्हें नई जिंदगी देंगे। करण कार्तिक, अभी भी तुम उसकी यादों में खोए हुए हो, यह ठीक नहीं, भूल जाओ। शिवा, 2 बजे की ट्रेन है, देर हो रही है, जल्दी चलो आओ। भाई, श्रवण का फोन है। हाँ बोल भाई। वो शिवा बाहर आ गया है। इंतजार करने के बाद शिकार करने में मजा आता है। मैं उस शिवा की लाश अभी देखना चाहता हूँ, चलो वहाँ। साल कैसे? अरे शिवा, क्या है ये, सब ठीक हो जाएगा। वहां पहुंचते ही मुझे फोन करना, ठीक है? ठीक है। जरा गाड़ी घुमाओ। जल्दी चलो। हट। ए, पागल है क्या? गया वो। चलो सब। नमस्कार। केरल के नक्शे को देखें तो उसमें 220 एकड़ का एक छोटा सा गांव है, तामरकुल। इस गांव को त्रिमूर्ति ब्रह्मा, महाविष्णु और शिव तीनों का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि यहां जो कमल का फूल खिलता है वो उनकी पूजा के लिए उपयोग किया जाता है। यहां रहने वाले गांव वालों में अहंकार और ईर्ष्या नहीं है, वो सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जीवन जी रहे हैं। ये है नेशनल परमिट की गाड़ी जो कि तामरकुन आ रही है।
मोहनलाल ने अपनी किसी फिल्म में कहा था कि एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग बहुत जरूरी है। इस फिल्म की एक बहुत जरूरी चीज गाड़ी से इंपोर्ट हो रही है। वो देखिए, गाड़ी में जो सो रहा है उसे यहां इंपोर्ट करने के बाद यहां क्या होता है वो हम मिलकर देखेंगे। चलिए। वैसे क्या होगा बे कमीने, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तेरी जुबान बंद कर नहीं तो काट के फेंक दूंगा। अबे जा यहाँ से, तेरी फालतू बातें मैं बहुत दिनों से सहन कर रही हूँ। हाँ, अपनी शादी नहीं हुई अब तक। तो तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तू मेरी ही तो है, जब मेरा मन करेगा तब तुझसे शादी कर लूंगा। तुझसे शादी करने के लिए मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए। चल जा रे, देख सुबह सुबह मेरे मुंह मत लग। हाँ, सुबह सुबह आ जाता है देवड़ा कहीं का। ए, अरे देख क्या रहे हो, जाकर पूछो क्या हुआ। आप जाकर पूछो ना, एक बार गया था पूछने, एक हफ्ते तक मैं पेशाब नहीं कर पाया और बीवी नाराज होकर मायके चली गई। वो क्यों? मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। देसी शराब और गांजा, अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं मर जाऊंगी मगर तुझसे शादी नहीं करूंगी। अब जा रहे यहाँ से। मैं तुझे कुछ भी करूंगा ना तो कोई मर्द का बच्चा नहीं है जो तुझे यहाँ बचाने आएगा। एक तो तेरा बाप पहले ही मरने की हालत में है, वो तो तुझे यहाँ पर बचाने के लिए आने वाला है नहीं, और यहाँ पे कोई ऐसा मर्द भी नहीं जो मुझसे लड़ेगा। छोड़। तो चुपचाप खड़ी रहे। ए मुद्रो। क्या बे? अरे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सल्लू भाई की फिल्म देखने गया था। भारत बहुत अच्छी फिल्म है। तू ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, अगर यहाँ पर कोई मर्द का बच्चा है तो आ जाओ। मुद्रा उठिए। तू जानता नहीं तूने कितनी बड़ी गलती की है, तूने मुद्रा पर हाथ उठाया है। तेरी उल्टी गिनती शुरू। हेलो, इतने स्टाइल से मुझे बचाने वाला तू है कौन? हाँ, इससे पहले आपको देखा नहीं है ना। मैं ईश्वरपुर के शेखर राजा का। ये हुई ना बात, मैं देखते ही समझ गया था कि तुम पक्का ईश्वरपुर ही जाओगे। अरे नहीं, मैं और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ सतीश और अब आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको पूरा गांव घुमाऊंगा। मीनाक्षी, आज से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज से तुम्हारी रखवाली करने के लिए यहाँ पर दो दो मर्द मौजूद रहेंगे। चलो आओ, आओ ना। अरे जल्दी बैठो। वो जो मुद्रा है वो दो मुंह वाला सांप है, लोगों के काम बिगाड़ने में वो सबसे आगे रहता है। मीनाक्षी का दूर का रिश्तेदार लगता है, उस मासूम की जिंदगी बर्बाद करने में तुला है वो। वैसे तुम ईश्वरपुर क्यों जाना चाहते हो? अरे वो तो हा? अरे कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है, शेखर राजा को इस वक्त सहायता के लिए किसी मर्द की जरूरत है। वो कमल का तालाब देख रहे हैं? कुछ साल पहले तक ये बिल्कुल स्वर्ग था, हर जगह कमल खिलते थे, लेकिन जब से मुद्रा यहाँ का नेता बन गया है उसके बाद कोई देखने भी यहाँ पर नहीं आता। राजा के भाई कुंदन की मृत्यु के बाद ये जगह ईश्वरपुर पूरी बर्बाद हो गई।
कुंदन मरा कैसे? मार डाला गया। वैसे भी कुंदन का बाहर कोई बिजनेस नहीं था। ये इस गांव का शिव मंदिर है, हे भगवान। इसी जगह पर उन लोगों ने कुंदन को जान से मार डाला था। उस दिन मेला लगा था। जिन लोगों से हम आज मिले हैं वो सब विरोधी हैं। वो लोग ईश्वरपुर को बर्बाद कर देना चाहते हैं। हैदराबाद गुंडूर के सीआई श्रीनिवास की रिपोर्ट, तैगासी के सीआई पलनी स्वामी की रिपोर्ट लगभग पूरी हो गई है। सब अपने ही साथ हैं। जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान। मैं कुछ भी हासिल कर लूं, मरने तक ये एक बहुत ही बड़ा दुख बनकर रहेगा, है ना सर? आपका दुख मैं समझ सकता हूं, लेकिन कुंदन केस का जब मैंने चार्ज लिया था उसी वक्त मैंने ये सोच लिया था कि अपराधी को कानून से भागने नहीं दूंगा। आज भी पुलिस है? यहां पे पुलिस क्यों है? अरे वो क्या है कि कुंदन के मरने के बाद पुलिस का आना जाना लगा रहता है। जरा रुकना, पेशाब करके आता हूं। हाँ जाओ जाओ। सुनो, हाँ? बचपन में मैं भी ऐसा था, पुलिस को देखते ही मुझे सूसू लग जाती थी। जल्दी आना। दिल है की मांग। इस बार के मेला को यादगार करना है। धूमधाम से होगा। इस बार के मेले से दोषकाल खत्म होगा, ऐसा उन्नी कृष्ण पंडित ने कहा है। और बेटी की बीमारी? ट्रीटमेंट चल रही है, जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, जब भी जरूरत पड़े फोन कीजिएगा। ओके। ओके। हाँ हाँ ओके। हाँ, क्या हुआ सतीश, काफी दिनों के बाद नजर आ रहे हो। क्या हुआ? मैं एक रिश्तेदार को लेकर आया हूँ। रिश्तेदार? हाँ, हाँ, पुलिस वाले को देखते ही उसे सुसु आ गया। मैं इसकी ही बात कर रहा था। नमस्ते। नमस्ते, कौन हो, पहचाना नहीं? मेरा नाम शिवशंकर है, लोग शिवा पुकारते हैं। तेंगासी के राजन जी के कहने पर आया हूँ एक काम के लिए। ओहो, ऐसा, नौकरी ढूंढने आए हो, रिश्तेदार नहीं हो? राजन ने कहा था कि वो एक बहुत होशियार लड़के को भेज रहा है, बहुत सारा काम पूरा करना है, पहले अंदर जाकर खाना खा लो। ठीक है ठीक है, तुम इसे अंदर ले जाओ। चल चल चल, आजा, यहाँ इडली सांभर बहुत अच्छा बनता है। मैंने कहा था ना इडली सांभर मिलेगा। खाओ 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 खाओ, ये लो, और खाओ और खाओ। लक्ष्मी दीदी, एक आदमी और आएगा रोज खाने के लिए। उसमें क्या है, मेरा काम ही है खाना बनाना ना। तुम कहाँ से आए हो? काफी दूर से हूँ मैं। कमल के तालाब में काम करने आए हो? अच्छा, छोटी रानी की तबीयत कैसी है? अब क्या बोलूं, कोई भी सुधार नहीं आया है। हाँ? अब तो घर आए मेहमान को तंग भी करने लगी है। अरे बाप रे। बेंगलुरु में पढ़ाई करने गई थी, रैगिंग की वजह से पागल हो गई है। तुम डरो मत, खाओ खाओ। हाय डिक्रूज। डिक्रूज? क्या है ये डिक्रूज, क्या हाल बना रखा है? अपना ख्याल नहीं रखते तुम, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? अरे खाना खा रहे हैं, छोड़ो मुझे यहाँ से। 24 घंटे डांस करते करते थक गए होंगे। ये खाओ, जल्दी से खाओ। अरे अच्छे से खाना, अरे खाओ ना, कितने पतले हो गए हो तुम। लो मैं खिलाती हूँ, ख्याल रखा करो ना अपना। खाओ खाओ। सुनो, खाओ ना। सुनो ना, थोड़ी सी इडली दो ना मुझे। पता नहीं आज क्यों बहुत भूख लग रही है। अरे पागल, मेरे डिक्रूज को तुम खराब कर रहे हो ना। अब भी मैं अरे रुक, तुझे तो मैं जान से मारूंगा। नहीं नहीं, मुझे मारो मत, क्या कर रही हो? अरे बाप रे, रुक जाओ, मेरे डिक्रूज को खराब कर रहे हो। मारो मत मुझे, पागल कहीं गए?
मैंने क्या किया? कोई मुझे बचाओ। जान ले लोगे तुम्हारी। नहीं, छोड़ दो। अरे बचाओ मुझे। अरे मार रही है। छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं, अरे छोड़ मुझे। सुनो, मार डालूँ तुम्हें। नंदिनी, अरे लक्ष्मी, बेटी का ध्यान रखना चाहिए ना। आज इसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, इसे लेकर अंदर जाओ। चल बेटी, चल अंदर जाओ। ये पागल मेरे निक्रोस को पक्का मार डालेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो ना, मैं उसे मार डालूंगी। माफ करना, इसका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। सर, कोई बात नहीं, बेचारी को कुछ नहीं पता। हेलो सुपरस्टार। मीनाक्षी, आप यहाँ कैसे? कर्जा लिया है, उसे चुकाना है, इसलिए लोन लेने आई हूँ। उसी की जानकारी निकालनी है। वैसे सारे गांव में सिर्फ तुम्हारी ही बातें हो रही हैं। मैं राजा के साथ आया हूँ, बाद में आपसे मिलता हूँ। ए रुक, वहीं पर रुक। सुना है आजकल तू लड़कों के सपने देखने लग गई है? लड़कों के सपने देखना लड़कियों के लिए गर्व की बात होती है। अबे जा रही, चल। गवर्नमेंट की तरफ से और पंचायत की तरफ से सारी अड़चने हटाने वाला पेपर है ये, और मेले को फिर से शुरू करने की अनुमति बोर्ड ने दे दी है। अब किन लोगों को वहां रखना है और किन लोगों को नहीं, ये सारी चीजें आपको तय करनी है। खैर, मुकाबले के बारे में क्या सोचा है आपने? अभी किसी से कोई मुकाबला नहीं, कमल तालाब को बेचने का निर्णय लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? इन पागल नेताओं से डरकर आप कब तक जिएंगे? मेरा कुंदन साथ होता तो। आपने जो मदद की उसके लिए धन्यवाद, चलता हूं। रुको, मुझ जैसे आदमी को भूखा रख के तुम क्या सोचे कि तुम वहां से कमल का फूल तोड़ लोगे? ऐसा नहीं होगा तो तुम शिव मंदिर के दरवाजे को बंद ही रहने देना, समझे? रास्ते से हटो भद्रा। अगर आप इसके दम पर इतना उछल रहे हो तो एक बात याद रखना, आज से पहले भी एक आदमी इसके चक्कर में अपनी जान गंवा चुका है। अगर आपको भी इतिहास दोहराना हो तो आप भी फिर से ये गलती कर लेना। रास्ते से हट। अगर मैं कुछ गलत कहूं तो मुझे माफ कीजिएगा। ईश्वरपुर का शेखर इनके सामने क्यों सर झुका रहा है? एक योद्धा का खून आपसे दूर हो रहा है। आपको हार नहीं माननी चाहिए, आप एक मौका मुझे दीजिए। आपका भाई कुंदन ये कह रहा है, ये समझ लीजिए आपका साथ दूंगा मरते दम तक। शिव मंदिर का दरवाजा भी खुलेगा और मेला भी मनेगा, कमल तालाब से फूल भी तोड़ेंगे। तुम्हारे अंदर दम है तो आकर रोक लेना। इस गांव और तुझे जानकर ही यहां आया हूं।
जीवन का संहार करने वाला शिव शंकर कह रहा है, समझ गया? डरपोक पत्र। भैया अब जाकर अपने गांव में खुशहाली आई है। कितनी हिम्मत है उस लड़के के अंदर। मेरा सारा काम आजकल वो ही करता है। मुझे ऐसा लगता है कि शेखर का बुलाया हुआ वो एक गुंडा है। अरे कुछ भी कहते रहते हो। ए सतीश, उस लड़के के चेहरे पर कितनी रौनक है। उसकी वो हंसी, उसके होठ, उसके नाक और किसी को आकर्षित करने वाली उसकी आंखें। अब्बू जान, तुम किसी काम के नहीं हो। हमारी भाभी जान नाराज है इसलिए मुझे काली चाय तो मत पिलाइए। अरे सतीश, तुमने इतनी काली चाय पी, मैंने तुमसे कभी पैसे मांगे क्या? है इसके जैसे इंसान को गुंडा कहते हैं जो कोई काम नहीं करता है। गुंडा। अरे भाई, मेरे ग्लास की क्या गलती है जो उसे ऐसे दबा रहे हो? और सुनो, अब जो भी हो इस साल हम उत्सव धूमधाम से मनाएंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ ये कभी नहीं होने दूंगा। मतलब तुम मरने के बारे में सोच रहे हो? भाई फोकट में शिवा के हाथ से मार मत खाना। अरे जो मीनाक्षी को पटा नहीं सकता वो उत्सव को क्या रोकेगा? अरे जा भाई यहाँ से। मीनाक्षी आजकल शिवा के पीछे है, शिवा उसे लेकर ही जाएगा। अरे इसकी किस्मत में तो सूंघना ही लिखा है, ये पूरी जिंदगी मीनाक्षी के पीछे सूंघ सूंघ कर घूमता रहेगा। तेरी तो अरे भाई ये क्या करने वाला है? लफड़ा होगा क्या? करेगा तो पछताएगा। चल मेरे साथ, अभी चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, मुझे छोड़, मुझे छोड़, चल, छोड़, चल तो, इधर दे, चल, चला जा, क्या कर रहा है? आजा, मैंने बोला ना, चल इधर आ, इधर आ, या अल्लाह, ये क्या कर रहा है? सतीश चल मेरे साथ, छोड़ दे मुझे, हे हे ए, अरे भाई इसे क्यों मार रहे हो? अरे छोड़ दे इसे, अरे मेरी बात सुनो। नहीं, बहुत नखरे पड़ते जा रहे हैं तेरे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे सतीश जाओ उसे बचाओ। ए छोड़ दो उसे, तुझे मेरा बनाने के लिए मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए। यह है सिनेमा के हीरो जैसी एंट्री। लड़की के शरीर पर बिना उसकी अनुमति के हाथ लगाना गलत है ना भद्रा? शिवा तू मेरे बीच में मत आ वरना बहुत बुरा होगा। वैसे भी एक काम के लिए इस गांव में आया हूं, उसका हाथ खोल रहा हूं, जो करना है कर।
शिवा या अल्लाह क्या हो गया ये, बहुत खून निकल रहा है। अरे सतीश जल्दी से गाड़ी निकाल, हॉस्पिटल चलना है। अरे सतीश क्या कर रहा है, जल्दी से गाड़ी निकाल। कोई बात नहीं। अरे वो पागल है, मीनाक्षी उसे नहीं मिलेगी इसीलिए ऐसा किया। मगर इसमें शिवा की क्या गलती है? उसे लगा होगा कि शिवा के साथ मीनाक्षी घूमती है इसीलिए इस पर अटैक किया। नमस्ते। नमस्ते। ये सब कैसे हुआ? यहाँ पर जो भी खड़े हैं सब गवाह ही हैं। सर जी हमारे सामने ही उन लोगों ने। हे सर कोई कंप्लेन नहीं करनी है, बस ये समझ लीजिए कि एक छोटी सी गलती थी। सर ये लड़का बहुत ही शरीफ है। शिवा जो भी हुआ मुझे सच बताओ। अगर मुझे कोई समस्या नहीं है तो केस बनाने का कोई फायदा नहीं। शिवा ने सही कहा, इस बात को आप तूल मत दीजिए, मैंने सिर्फ इन्फॉर्म किया था आपको। ओके शिवा तुम्हारा पूरा नाम क्या है? शिवशंकर। क्या हुआ सर? दरअसल मुझे ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। ठीक है। मीनाक्षी बेटा, मीनाक्षी। हाँ पिताजी आई। मेरे प्यारे पिताजी उठिए, लीजिए दवाई पीजिए। दवाई खत्म हो गई है, अस्पताल जाकर दवाई भी लेनी है। बेटी इस दवा से अब क्या होगा, मैं बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। इस घर में आपकी मौजूदगी ही मेरे लिए काफी है पिताजी, आपके आसपास रहने से ही मुझे शक्ति मिल जाती है। बेटी आराम से। पिताजी मेरा सहारा आप और आपका सहारा मैं हूँ, अगर हमारे बीच कोई तीसरा आएगा तो आपको कोई एतराज होगा क्या? तू भद्रा के बारे में बात कर रही है क्या? नहीं, मर जाऊंगी मगर उससे शादी नहीं करूंगी पिताजी। बेटी तुम किसी से भी शादी कर लो, किसी को भी पसंद कर लो, मुझे तुम्हारी पसंद से कोई एतराज नहीं। वो अपना शिवा है ना, मैं उसी की बात कर रही हूँ। मेरी तरफ से उसके लिए भी हाँ है, पर तुम्हारे लिए उसके मन में। उसके मन में ये मीनाक्षी ही है, मुझे पता है, हमेशा मेरी रक्षा करने के लिए वक्त पर आ जाता है। शिवा से मैं एक बार बात करूं क्या पिताजी? आजकल के जमाने में कोई बेटी प्यार करने के लिए भी अनुमति मांगे, ऐसी बेटी पाकर तो मैं धन्य हो गया। इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है पिताजी, आपकी बेटी इतना अच्छा दामाद ढूंढ रही है ना, तो आपको खुश होना चाहिए। अब आप आराम से सो जाइए। वैसे शिवा के दामाद बनने पर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बार बार पूछेगी तो ना थोड़ी कहूंगा। मैंने जो कुछ किया है वो कोई गलत नहीं है, तुम हमेशा मेरे साथ रहो इसलिए ये सब किया। अगर नसीब में मौत लिखी होगी तो भी तुम मेरे साथ रहोगी। सब कुछ ठीक करके मैं अगली बार तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, और कोई परेशान नहीं करने वाला है, हम गांव जाएंगे। तुम हिम्मत मत हारना, मैं जा रहा हूं, मुझे डॉक्टर से मिलना है।
मीनाक्षी तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं यहाँ पिताजी के लिए दवाई लेने आई थी। तुम रो क्यों रही हो? वो कुछ नहीं, जिंदगी में हमेशा बहुत कुछ झेला है और अब इससे ज्यादा झेलने की हिम्मत नहीं है। कोई बात नहीं मीनाक्षी, मैं कुछ समझा नहीं। कोई मुझे समझ नहीं पाता है, मेरे मन को नहीं पढ़ पाता है। एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद करके मुझे अपनी इच्छा पूरी नहीं करनी। वैसे वो लड़की कौन है ऐसा तो मैं पूछ नहीं सकती, पर वो जो भी है बहुत ही भाग्यशाली है। चलती हूँ। शिवा, उनकी हालत में काफी सुधार है, सारे टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। अगर ऊपर वाले का साथ रहा तो एक हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार। अगले हफ्ते शिव मंदिर का उत्सव है, बहुत सालों से बंद था। पता है, कुंदन की हत्या के बाद वहाँ उत्सव नहीं होता था। गांव वाले कहते हैं कि तुमने ही वो उत्सव वापस शुरू किया। ऐसा कुछ नहीं है, जिसने मेरा साथ दिया उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। उत्सव के बाद जब तुम आओगे उस लड़की को इतना खूबसूरत कर दूंगा कि पहचान नहीं पाओगे। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब मीनाक्षी नहा करके आती है और बालों में जब गजरा लगा के निकलती है तो उसमें से जो खुशबू आती है, आज वही खुशबू मुझे आ रही है। तू सिर्फ कल्पना ही कर, तेरी किस्मत में वो नहीं है। मुझे नहीं लगता वो तुझे मिलेगी। वो शेर है, अपना शिकार लेकर ही जाएगा। क्या बोला रे कमीने? अरे क्या बोला तू? वो लेकर जाएगा ना? तेरी तो ये छोड़ूंगा नहीं मैं। हिम्मत कैसे हुई तेरी बोलने की? दोबारा बोला तो जान से मार दूंगा तुझे। चाहे वो कितना ही बड़ा शेर हो उसे जान से मार दूंगा, और उसे मारे बिना भद्रा चुप नहीं बैठेगा, समझा? छोड़। उसने क्या गलत कहा भाई? यूं गुस्साने से मीनाक्षी तुम्हें हमेशा के लिए मिल तो नहीं जाएगी ना भाई? जब से यहां शिवा आया है तेरी कोई औकात ही नहीं रह गई। शिवा संहार मूर्ति, उसे मार डालना है। टेंगासीपुरम से लोगों को बुलाओ। मेले के दिन जैसे कुंदन को मारा था बिल्कुल वैसे ही इसे मार डालेंगे, टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। ईश्वर मंगल से भगवान के गहने पहुंचाने का काम सिर्फ एक ही आदमी करेगा, शिवा। अगर दूसरे गांव का आदमी ये काम करेगा तो भगवान श्राप देंगे, मूर्ति को ही हटाना पड़ जाएगा। राजेंद्र जी ऐसा मत बोलिए, शिवा के आने के बाद गांव में कितना बदलाव आया है। आप सबको देखकर ये फैसला नहीं किया है, मेरे अंदर से ये आवाज आई। शिवा को मैं अपने कुंदन जैसा ही समझता हूं, बल्कि ये मेरा कुंदन ही है। एक मिनट रुको, मैं आता हूं। जी सर। हाय शिवा। हाय सबको नमस्ते। आप लोग मुझे नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। हाय शिवा, वन सेकेंड। आजा आजा आजा, डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ कीजिएगा, एक मिनट में इसे छोड़ दूंगा। कहाँ लेके जा रहे हैं इसे? कल उत्सव है, सिर्फ एक दिन और इंतजार। अरे सिर्फ एक दिन तो क्या, एक मिनट भी वेट नहीं कर सकता। तुम फालतू का सीन क्रिएट मत करो है, और चुपचाप उस ऑटो में जाकर बैठ जाओ। तो तुम चल रहे हो ना?
राजा जी हमारे गांव से हैं, मैं जाकर आता हूं। तो चले भाई। चलो भैया। सिर्फ एक दिन की मोहलत मांगी थी मैंने, लेकिन नहीं सुनी। उत्सव पूरा होने तक आप ऐसे ही रहेंगे, उत्सव होना ही चाहिए। कर जरा मंदिर होकर आ जा। ये सारे भगवान मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनते, तो मंदिर जाऊं या ना जाऊं क्या फर्क पड़ता है? ऐसा मत बोलो बेटी, ये भगवान ही है जो हमारी रक्षा करते हैं। जब वो वहां से चलकर आएगा तो वहां पर एक मोड़ आएगा, वहां से बाएं मुड़ने पर एक मंदिर है, हम लोग वहीं रहेंगे। वहां से वो जिंदा नहीं जाना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे यमराज उसका इंतजार कर रहा है। Thank you.
जल्दी चलो, मंदिर के लिए गहने निकल चुके हैं, जल्दी करो। सब तैयारी हो चुकी है सेक्रेटरी साहब। गहने एक बार सुरक्षित तरीके से बस मंदिर पहुंच जाएं, तब जाके मेरे मन को शांति मिलेगी। हाँ। संभल कर रहो, कुंदन को मारने वाले हमारे पीछे हैं। भगवान के गहने में मंदिर तक पहुंचाऊंगा, मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं तैयार हूं। शिवा संभल कर निकलो यहां से। ए मार उसको, मार, जानेगा भाई, पकड़ ले, वो भाग रहा है। जल्दी
आई एम फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट, नाम है मेरा एसपी पशुपति राज। यहाँ रहने वाला शिवा पुलिस डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंक कर पिछले 6 महीनों से भाग रहा है। तुम अपनी चालाकी से पुलिस की आंखों में धूल झोंकते आए हो, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी का फैसला अदालत करेगी। इस गांव के सभी लोग तुमसे प्यार करते हैं। मैंने तुम्हें अपने कुंदन की जगह दी, फिर भी सब कुछ हाथ से बाहर हो रहा है। ये सब आखिर तुमने क्यों किया बेटा? एक काम को ढूंढने के लिए हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच गए थे। मैं, करण और कार्तिक, ऐसा कोई काम नहीं था जो हमने नहीं ढूंढे थे, लेकिन बैंड वालों के साथ काम करना हमारे नसीब में था और यहां पर हम अपनी एक नई जिंदगी ढूंढ रहे थे। ये लो, गिन लो। हे, चलो दिखा यार। सही है, इधर दे बे। भाई, शिवा को देखा क्या? मैंने नहीं देखा। हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं क्या? बिरयानी ले आना। ठीक है चाचा। शिवा जल्दी चला, जल्दी। हाँ चला रहा हूँ। ए शिवा, नसीब चमक गया अपना, नसीब चमक गया। रुक रुक रुक। शिवा, मेरी प्रार्थना का फल मिल गया यार। कैसी प्रार्थना? हाँ, 10 दिनों में अगर 10 लोग मरेंगे तो पालनपुर जाकर मुंडन कराऊंगे, ये मन्नत मांगी थी। और आज विजय स्वामी मर गया। कौन से विजय स्वामी? अरे अपने गांव का विजय स्वामी। हाँ, मरने के लिए कोई मन्नत मांगता है क्या? अरे रे, जब कोई मरता है तभी तो हमें कुछ पैसे मिलते हैं ना। वो क्या है, मेरे ऊपर थोड़ा कर्जा है,
और कुछ नए कपड़े भी लेने हैं। अब जब सब जगह से थोड़े थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हे प्रभु, बस ऐसे ही तू सब लोगों को जल्दी जल्दी मारता रहे। बेटा तो हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या होगा? हमें कौन देखेगा? तुम क्यों चले गए? बजा क्यों नहीं रहा है? सुना, उस लड़की को देख। कौन सी लड़की? अरे वो लड़की। हाँ, कौन सी लड़की? अरे वो जो मरा है वो उसकी बेटी है। इस घर की अकेली बेटी है वो। उस लड़की के बारे में सोचकर ज्यादा चिंता मत कर, उसके परिवार वाले उसका ख्याल रखेंगे। चल अपना काम करते हैं, आ जा। तुम क्यों नहीं ये पी रहे हो? कुछ हुआ है क्या तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ बात तो जरूर है। विजय स्वामी के दाह संस्कार से मैं नोटिस कर रहा हूं। उस लड़की की रोने की आवाज में भुला नहीं पा रहा हूं। तो हम लोगों ने जो सोचा वो गलत नहीं है। ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ यार। देख भाई, हमारे लिए ये प्यार व्यार नहीं बना है। देख शिवा, फोकट में इसमें मत पड़। बात नहीं कर सकती, जब से पता चला है तब से मन में। तेरे नाम पिक्चर देखी है ना, उसमें हीरो हीरोइन के चक्कर में कैसा पागल हो जाता पता है ना? प्यार के लिए कुछ किया जाए तो उसमें खुशी मिलती है ना।
चलो। वो देख तेरी पायल। अबे शिवा, वो लड़की क्या वहाँ की सिक्योरिटी में है? जब देखो गेट पे ही खड़ी रहती है। हैं? अच्छा ये ना सिक्योरिटी है, उसे देख कर रुक तो सकते हैं। वो पायल उसके पैर में नहीं, इसके दिल में फंस गई है। सही है, सही है। तेरी मौत मेरे यहाँ पे होगी। रुक जा। पता नहीं है, इसने FIR लिखकर हम पर केस बनाया भाई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे माफ कर दो भाई, भाई, भाई नहीं, 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 नहीं। मैंने एक परी को देखा, इसीलिए तुझे जीवन दान दे रहा हूं। भाई, क्या परी है भाई? पहले ही नजर में वो मेरे दिल में घुसकर कुछ कुछ कर गई। जब से मैंने उसे देखा है तब से मेरा दिल उसके लिए धक धक कर रहा है। धन्यवाद भाई। ए, वो लड़की गूंगी है, उसके पीछे ऐसे पढ़कर उसे परेशान क्यों कर रहा है तू? अरे परेशान कहाँ कर रहा हूँ, जब भी उसे देखता हूँ अपने आप को रोक नहीं पाता, बार बार देखने का मन होता है। इसमें कोई बुराई तो नहीं? नींद भी नहीं आती है रात को। इस दर्द की दवा यहाँ पर नहीं मिलती, मेंटल हॉस्पिटल में जाओगे तो मिल जाएगी। अरे ऐसा नहीं है। सुनो, घर में तो लॉक लगा रहता है, ये लड़की अभी रहती कहाँ है? वो तो ठीक है, पर तू उसके घर तक पहुँच गया? इसके माँ बाप के मरने के बाद इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके दूर के रिश्ते की एक मामा है, बस उन्हीं के साथ रहती है। हमेशा कला केंद्र में दिखती है, वहाँ की सिक्योरिटी है क्या? ये सिक्योरिटी में काम नहीं करती, ये तो बहुत अच्छा डांस करती है। जिंदगी में इसे खुशी सिर्फ डांस करने से ही मिलती है।
इसे डांस करना पसंद है, इसलिए डांस सीख रही है ताकि पूरी दुनिया में इसका नाम हो। ये कला निकेतन डांस स्कूल में डांस सीखना चाहती है, ऐसा हमसे बार बार कहती रहती है। इसलिए ये डांस स्कूल के सामने खड़ी होकर सिर्फ डांस के ही सपने देखती रहती है। ओ, तो ये है उसका सपना। उसके बारे में डिटेल दीजिए, एडमिशन का मैं देखता हूँ। वहाँ पढ़ना कोई आम बात नहीं है, वहाँ पढ़ने में बहुत खर्च होता है और इसकी मदद करने वाला कोई है भी नहीं। उसमें क्या है, मैं कल ही जाकर के ठीक कर देता हूँ। ए भाई शिवा, तू सच में ये सब करने वाला है क्या? ये शिवा का फैसला है यार। ये पागल हो गया है। कला केंद्र में सीखने के लिए तुम तैयार हो जाओ। आता हूँ। ये क्या है भाई? अभी भी आप उस लड़की की यादों में खोए हुए हैं। वो कौन है, कहां रहती है? 10 मिनट में मैं ये जानना चाहता हूं। आइए बैठिए रेशमा, कल क्लास में आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, चलो। क्या बात है? मेरा नाम शिवा है। ठीक है, मुझे एक सीट चाहिए। सीट चाहिए तो बैठ जाओ। अरे ये सीट नहीं, मुझे कला केंद्र में एक सीट चाहिए डांस सीखने के लिए। यहाँ जेंट्स का एडमिशन नहीं होता। मुझे नहीं सर, एक लड़की के लिए। बहुत ही गुणी है, बहुत अच्छा डांस करती है। इस साल का एडमिशन फुल हो गया है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप, बस एक ही सीट की बात है। उस लड़की के लिए हम एक नया बैच शुरू कर सकते हैं। अगर वो यहाँ आ गई ना तो इस कला केंद्र का नाम बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। सिक्योरिटी? तो सर एक सीट। उस लड़की का डांस देखेंगे तो चौंक जाएंगे आप। इनको इज्जत के साथ बाहर लेकर जाओ। सर एक बार सोच लीजिए। जाओ 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 जाओ। अरे कहाँ ना जाओ, गेट आउट। चल बाहर चल। सर सुनिए, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ए उस तरफ देख, तुम इधर जा। क्या हुआ, नहीं मिला? नहीं, नहीं भाई, नहीं भाई। ए बच्चे, ए क्या कर रहे हो? ओ सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जाओ जाओ, पागल ही है। बच्चे एक मिनट। नमस्ते नमस्ते। बच्चे मेरे भाई को मन को चुराने वाली लड़की कहाँ मिलेगी अभी? मैं नहीं जानती। ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए, जल्दी बताओ। मैं जानती हूँ, मैं बताती हूँ। प्यारी लड़की। सर एक सीट सर, सिर्फ एक सीट सर। तुम्हारी समझ में हिंदी नहीं आती क्या? चल छुप कर देखते हैं। सर चलिए ना अंदर बैठ के बात करेंगे। नहीं बाहर 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 बाहर। सर आप बड़े कलाकार हैं ना, वो लड़की भी बड़ा कलाकार बनना चाहती है। अगर आप चाहेंगे तो एक सीट मिल सकती है उसे। अरे हर आने जाने वाले लोगों को मैं कला केंद्र में सीट नहीं दे सकता, बहुत पैसा खर्च होता है। पैसे के बारे में आप मत सोचिए, बस 10 लोगों को मरना चाहिए। 10 लोगों को मरना चाहिए? मरने के बाद जो बैंड बजता है ना वही बजाता हूँ मैं। तुम उसके भाई हो क्या? रिश्तेदार हो उसके? भाई नहीं हो, रिश्तेदार भी नहीं हो। भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उसके लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो। मैं उसका प्रेमी हूँ सर। हाँ प्रेमी हो? मैं उसे प्यार करता हूँ लेकिन वो नहीं जानती।
कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। भाई मैं बात तो है, अभी उसे एक सीट दिलानी है फिर उसके बाद। अरे अंदर कहाँ जा रहे हो, यहाँ एक भी सीट नहीं है, चलो जाओ। क्या सर? सर सर जाओ। ओ नहीं यार, क्या करें, क्या है ये? Hey, बच्चे कैसी हो? Hey, समधी जी, डरने का नहीं है, आ जाओ सेल्फी लेते हैं। मास्टर जी, एक सीट, सिर्फ एक सीट। हे महादेव, ये मुझे बहुत तंग कर रहा है। सीट चाहिए ना तुम्हें, ये लो जाओ। अरे तेरी तो अरे अरे रुक 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 सर। अरे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, रास्ते से हटो। सर प्लीज उस लड़की को एक सीट दे दो सर, वो बोल नहीं पाती है सर, वो बहुत लाचार है। हाँ? वो गूंगी है क्या? हाँ सर। सर है क्या? चलो जाओ जाओ जाओ। अगले महीने का प्रोग्राम 18 तारीख को रखी है, ठीक है? ओके मास्टर, मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा। शिवम मेरी बात सुन, नहीं नहीं चिंता मत कीजिए, मैं आ जाऊंगा। इसमें इंसानियत ही नहीं है। सिक्योरिटी, विमला विजेंद्र तिवारी, अच्छा नाम है। देखो हम एडमिशन तो नहीं देते हैं, मगर तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है इसीलिए दे रहे हैं। सोमवार से आने के लिए कह दो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, एक मिनट रुको। गूंगी लड़की के साथ प्यार करने वाला इंसान बहुत ही सच्चे दिल का होता है। मैंने भी लव मैरिज किया है, प्यार के एहसास को मैं अच्छी तरह जानता हूं। अब तुम उसके दिल में अपने लिए सीट पक्की कर लो। ओके, ऑल द बेस्ट। विमला सीट मिल गई। टिकट 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 टिकट, हाँ टिकट बोलो, टिकट टिकट, हाँ टिकट लिया कि नहीं लिया बोलो। हाँ दे रहा हूँ ना, चेंज दे रहा हूँ। हाँ तुम टिकट बताओ, छुट्टे पैसे दो ना यार, बार 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 बोलता हूँ मैं। चलो रे। हे आ जाओ। बैठो बैठो सब बैठो। भाई बताइए कौन से रास्ते से ले चलूं? मेरे रास्ते से नहीं, अपने ही रास्ते से चलो। विमला, पंडित जी से मैंने कुंडली मिला ली है, कुंडली में सारे गुण मिल गए हैं। और एक खास बात बताऊं,
हमारी कुंडली में बहुत बच्चे हैं। अब तुम बताओ हम अपनी शादी कब करें? तुम मुझे बिना आवाज किए गाली दे रही हो, मुझे अच्छा लगा और मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। तुम्हारे बिना मेरी ये जिंदगी अधूरी है और तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है और मेरे हाथ में तुम सुरक्षित रहोगी। क्यों संदीप जी, आप तो खुश हो? ये क्या ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो? अभी तो हम रिश्तेदार बन गए हैं। तुम कौन हो और क्या कह रहे हो? संदीप जी, आपकी भांजी को मेरे भाई ने पसंद किया, मेरे भाई ने आपकी भांजी को पसंद किया, इसका मतलब बालाजी खुद तुम्हारे घर पर आ गए हैं। एलेक्स पांडे तो बहुत बड़ा आदमी है, उससे अपनी लड़की की शादी कराना ठीक रहेगा क्या? अरे संदीप जी, पैसों की कोई बात नहीं है, आप तो बस अपनी बेटी को तैयार कीजिए, कल हम मंगनी करवा देंगे। ये सब कभी नहीं होने वाला, तुम जाके कोई और लड़की ढूंढो। अरे छोड़ दो इन्हें, ये भाई का फैसला है, अगर उल्टा बोला तो जिंदा जला देंगे तुम्हें। मुझे छोड़ दीजिए, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है संदीप जी, कल 11 बजे का शुभ मुहूर्त है, बहुत काम है अभी। बच्चो गाड़ी में बैठो, चलकर चलते हैं हम। चंदन जी चलते हैं हम लोग, चलो गाड़ी निकालो जल्दी, संभाल कर है, ध्यान रखिएगा अपना, आते हैं। मरना है तो जाकर मरो, मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं है क्या? ठीक है मैं बताती हूँ, मैं एलेक्स पांडे को पसंद नहीं करती, मुझे दुल्हन बनकर उसके पास खड़े रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उससे नफरत करती हूँ। ऐसा क्या नहीं है ये? वो बहुत बड़ा गुंडा है, उसके यहाँ रहने पर हम शांति से नहीं रह सकते, उसका कुछ ना कुछ करना होगा। ये सज धज कर उसके सामने खड़ी होने से अच्छा है वो गुंडा इसे देखने ही ना आ पाए, ऐसी कुछ तरकीब तुम लगाओ। उसके सामने कल तो जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। शिवा तुम करना क्या चाहते हो? अगर ये कल नहीं जाएगी तो और गुस्सा होगा, थोड़ी एक्टिंग कर लो ना एक दिन के लिए। विमला तुम्हें बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ, शादी से पहले थोड़ा समय मिल जाएगा, तब तक क्या करना है हम बैठकर सोच लेंगे। कल आने दो उनको। लड़की के मामा। नमस्ते कीजिए भाई। जल्दी दुल्हन को बुलाइए।
एकदम परी दिख रही है ना भाई। दूल्हे को चाय दो बेटी। अरे ये क्या कर दिया? अरे ओए, मैं इसकी इच्छा जानने नहीं आया। पसंद करे या ना करे, इसे मेरे साथ ही जीना गलती है। से हो गया भाई। चलो रे। उस एलेक्स पांडे से टकराने के लिए ना मेरे पास ताकत है और ना ही उम्र है। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे उस लड़की की कोई गलती नहीं है, वो उससे बहुत नफरत करती है। वो एलेक्स पांड्या कुछ भी कर सकता है, अब क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। शिवा अब तुम क्यों चुप हो? कुछ तो आइडिया दे। हाँ, हाँ, हाँ। शिवा और विमला की जोड़ी बहुत ही अच्छी है, ऐसा मेरी वाइफ कह रही है। सर आश्चर्य की कोई बात नहीं, ये भी गूंगी है, बात नहीं कर सकती। हमारी शादी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन ऐसी पत्नी हम जैसे किस्मत वालों को ही मिलती हैं। हमने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? अब तुम ही उस लड़की को बचा सकते हो। मेरी मानो तो उसे इस गांव से दूर लेकर चले जाओ। मास्टर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पूरा इलाका उस गुंडे के हाथ में है। तुम लोगों का यहां रहना मुश्किल है, यहां से चले जाओ। कल दिवाली है, हर कोई त्योहार में व्यस्त रहेगा, हमें मौका देखकर वहां से निकलना होगा। गणपति मंदिर के बगल से एक रास्ता जाता है जो सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचता है, अगर हम वहां से गए तो कोई हमें नहीं देख पाएगा। विमला को सिंधु और सुधा लेकर आएंगी। शिवा जब मुझे पता चला कि तुम एक गूंगी लड़की से प्यार करते हो तो मुझे तुम पर बहुत गर्व हुआ। हिम्मत रखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? ये सब उसी के लोग हैं। हम दोनों को मंदिर दूसरी ओर से जाना होगा। भाई रेलवे स्टेशन अम्बन कोबिल, सारे रास्ते पर हमारे लोग हैं, हम उसे इस तंगासीपुरम से जिंदा नहीं जाने देंगे। यहाँ क्यों आया तू? ए शिवा, देख लिया, तेरे दोस्त ने तुझे ही धोखा दे दिया। तेरा प्लान बताने के लिए 1,00,000 रुपया, तुझे यहां लाने के लिए 2,00,000 रुपया,
और तुम्हें मारने के लिए 5,00,000 रुपया। हर जगह सिर्फ पैसा काम करता है। पकड़ साहब, पकड़ो सामने न पास। तुम मुझे छोड़कर जाएगी? तुम दोनों एक साथ जीना चाहते हो क्या? नजर लगा दूंगा। मेरे सिवा तो किसी और की हो ही नहीं सकती। मार दो इसे, मार दो। अगर ये लड़की मेरी नहीं होगी तो किसी और की भी नहीं होगी। यहाँ जो कुछ हो रहा है वो किसी ने नहीं देखा। अगर किसी ने पुलिस को कुछ बताया तो उसे मैं जान से मार दूंगा। ओए, चलो 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 पीसी 106 अमन कयाल स्ट्रीट में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। ओवर ओवर ओवर। एसिड अटैक के एक्यूज को हम ढूंढ रहे हैं। ओवर ओवर। ठीक है सर, ओवर। साहब, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। बात क्या है साहब? एसिड अटैक के केस में आईजी साहब का ऊपर से बहुत प्रेशर है, इसलिए आप। किससे क्या बात कर रहा है पता है? चल निकल, निकल यहां से। रुको भाई। मुर्गन, हम्म,
मेरे खिलाफ किसने रिपोर्ट लिखवाई? जवाब दो। भाई मुझसे अनजाने में गलती हुई, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। भाई मुझे माफ कर दो भाई। ओ तो तू है, अभी तक तेरा अच्छा समय चल रहा था लेकिन आज से तेरा बुरा समय शुरू हो गया है। माफ कर दो भाई। इस जिंदगी में तू इस हाथ से खाना नहीं खा पाएगा। भाई माफ कर दो ना भाई, भाई मुझे छोड़ दो, भाई छोड़ दो। मुर्गन भाई, भाई नहीं नहीं भाई नहीं भाई नहीं, अरे भाई रहने दो ना, भाई रहने दो, माफ कर दो मुझे भाई, मत करो भाई, रहने दो भाई, ऐसा मत करो भाई, मुझे माफ कर दो भाई। तुम सब खत्म हो गया, अब जिंदा रह के क्या फायदा, अब तो खुदकुशी करने की भी जरूरत नहीं है। विमला बेटा, जवानी और खूबसूरती हमेशा नहीं रहती, हमारी बच्ची को हम ही नहीं देख पा रहे हैं। तुम अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हो, यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। बेचारी हमारी बच्ची कितने दिनों से रूम से बाहर भी नहीं आई है। विमला, तुम्हारी खूबसूरती से नहीं, तुम्हारे दिल से प्यार किया है मैंने। चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे बिना ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। कल केस का फैसला है, गवाही देने वाला कोई नहीं है। सुनीता और सुजाता को उन लोगों ने धमकी दी है, अब न्याय के सामने भी हम ही हारने वाले हैं। विमला, 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 सीसी 19/2010 नंबर केस के आरोपी के खिलाफ कोई भी गवाह और सबूत पेश नहीं कर पाए। हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसी बेस पर क्रिमिनल कोड 232 के आधार पर उन्हें बेगुनाह ठहराया जाता है। उसके खिलाफ सबूत और गवाह न मिलने पर उसे बाइज्जत रिहा किया जाता है। भाई जीत गए। नमस्ते, नमस्ते बहनों, नमस्ते। सर 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 सर, इस केस का फैसला आपकी तरफ से लगा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो प्रभु की इच्छा है, इसीलिए मैं बाहर आ गया।
सर 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 वन मोर क्वेश्चन सर सर और नाचो भाई जीत गए भाई 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 को क्या हुआ भाई उसे पकड़ो से पकड़ो उसे अरे जल्दी पकड़ो उसे पकड़ के लाओ उसे कौन है वो पकड़ो उसे ए बोरा क्या भाग रहा है ए रुक जाने ना कोई पकड़ो उसे वो भाग रहा है ए रुक रुक ए रुक ए क्या भागता है वो भाग रहा है पकड़ो भागने ना पाए गाड़ी लाओ जल्दी गाड़ी लाओ गाड़ी निकालो जल्दी गाड़ी निकालो और चल बस 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 किस तरफ देखा उस तरफ क्या होगा ठीक है तुम शिवा तूने ये क्या कर दिया अब तू बच नहीं पाएगा मुझे विमला के साथ जीना है मैं विमला के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूं जा 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 अंदर जा छुप जा जा आओ आओ अंदर आ जाओ मैंने ही विमला को बुलाया है इससे पहले कि पुलिस तुम्हें पकड़ ले तुम आज रात को ही इस जगह को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ
नई जिंदगी को ढूंढने के लिए नई यात्रा पर निकल पड़ा, जिसमें डर भी था और उत्साह भी। जाने अनजाने मेरी जिंदगी में आकर तुमने जिंदगी को एक नया मतलब दिया। इतने सालों से मेरे अंदर जो बदले की आग चलती आ रही थी, उसे तुमने बुझाया। मेरे कुंदन की जान लेने वाले को तुमने मारा। बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? जिस तरह से कर्ण के सामने दुर्योधन खड़ा था, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। जो चाहिए वो मांगो। मुझे विमला से मिलना है। उसके पास इस समय कोई नहीं है। उसका इलाज कराने के लिए हम यहां आए थे। सर, मैं उससे बात नहीं करूंगा। सिर्फ एक बार देखना चाहता हूं। नो, टाइम हो गया है, हमें जाना है। चलो सर, प्लीज सर, थोड़ा सा समय दीजिए। उसे इस लड़की से सिर्फ मिलने दीजिए। आप बीच में मत पड़िए, ये मर्डर केस का एक्यूज्ड है। Come on, get him. Hey, chalo. Chalo, chalo. Chalo, chalo, chalo. Chalo, chalo, chalo. Chalo, chup, Shiva. Chalo. Chalo. Shiva. Chodi ise. Shiva. विमला, Thank you.
शिवा, तुम्हारे आने के बाद इस गांव में बहुत ही अच्छा काम हुआ है। उसका सबसे बड़ा सबूत है वो, देखो उधर। जो जुड़ना था वो जुड़ गया। चल बेटी। अब हम लोग बहुत खुश हैं। विमला, विमला, आज ये अनाथ नहीं है, मेरी बेटी है। तुम्हारे लिए उसे संभाल कर रखा हुआ है, वो देखो। तामरकुंड एक सुंदर सी जगह बन गई। सबकी दुश्मनी खत्म हो गई, सबके मन में प्यार भर गया। जिस गांव में भगवान का वास हो, उस गांव में सभी लोग सुख और शांति से जीने लगे। भगवान का आशीर्वाद हमेशा सब पर ऐसे ही बरसता रहे।